एक बंदे को और पोपट होते हुए। हाँ तो भाई कुछ कहना चाहोगे आप? भाई शागिर्द के बारे में तो भाई बहुत बुरे हो गए शागिर्द। तो गाइस इस शख्स की शक्ल देख लो आप अच्छी तरह। पहले ही बताया इसके लिए बिरयानी इम्पोर्टेंट है दोस्त। भाई बिरयानी बिल्कुल बिरयानी। आप जल्दी बताओ तो कैसे हो आप सब? हो करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज बहुत दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा सब बिजी थे अपने कामों में। तो आज मैंने सोचा है कि आज सभी भाई मिल भी लें। आज मैं बनाने वाला हूँ, मतलब घर पे बनवाने वाला हूँ दोस्तों की महफिल के लिए बिरयानी। तो हैदराबादी बिरयानी के मेरे सारे दोस्त शौकीन हैं बहुत ज़्यादा, तो मिल भी लेंगे, बिरयानी पार्टी भी हो जाएगी और चिल फन मजा सब हो जाएगा। तो फटाफट से मैं चलता हूँ पहले बिरयानी का सामान लेने, क्योंकि चिकन विकन एंड ऑल मसाला ये वो और ये वा, 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 वा। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस व्लॉग में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे मैं खुद एक्साइटेड हूँ, मैं गए इतने दिनों बाद सब भाई मिलेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज बड़े दिनों बाद हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं तो चलते हैं फटाफट से। ये चुके हैं अपनी दही और ये देखो बारिश की वजह से कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश है। हाँ हाँ, ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी फटाफट से लेते हैं यहाँ से बिरयानी के लिए कुछ और चलते हैं फिर। तो गाइज़ अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद क्योंकि मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ फिर मैं जाके चिकन लेके आऊँगा और जो सामान बाकी रह गया फिर वो लेके आऊँगा। तो फटाफट से चलता हूँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मस्जिद पहुँच चुके हैं, सुकून के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो एकदम सुकून और इत्मीनान के साथ मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं जा रहा हूँ चिकन लेने जो कि बिरयानी के लिए सबसे स्पेशल इन्ग्रीडियंट है, उसके बिना बिरयानी का कोई वजूद नहीं है। फीके चावल हैं एकदम। और ये बरसात अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए, लेकिन हम वही अपनी गाड़ी का स्लो मोशन में बिल्कुल प्यार से चलाते हुए और मौसम को फील लेते हुए एंजॉय करते हुए। ये आ चुका है बिरयानी का फुल ऑन सामान, तब हम चलते हैं अपने घर। ओम स्वीट ओम। बारिश ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है, बहुत ज़्यादा तेज है। तो गाइज़ मैं सोच रहा था खाने के साथ कुछ स्वीट डिश भी होनी चाहिए थी, तो मैं वो स्वीट डिश का सामान लेने जा रहा हूँ, उसको भी घर ही बनाएंगे। मैं बताऊँगा आपको कि स्वीट डिश क्या बना रहे हैं घर में। सामान लेने गया था वो तो मिला नहीं, फाइनली मैं ये उठा लाया सबर बाइट जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलते हैं घर। सो गाइज़ जिसे बोलते हैं ना बेवकूफ़ वो हूँ मैं, मेरा चौथा चक्कर है बाज़ार में, मैं हर बार कोई ना कोई सामान भूल जा रहा हूँ। अब ये मेरा समझ लो चौथा चक्कर लगने वाला है मार्केट में, और ऊपर से बारिश में भीग भी गया हूँ, बार बार गाड़ी से उतरना पड़ रहा कुछ भी। तो गाइस चलते हैं फोर्थ टाइम इस औसम मौसम में। ये बारिश और मैं नाप रहा हूँ अपनी कॉलोनी की गलियाँ इन बारिश में, भाग रहा हूँ फुल स्पीड पे। सो गाइस फाइनली मैं अभी दिखाया ना जैसे आपको गलियों में घूम रहा था, तो एक छोटा सा सामान रह गया था तो मैं गली में शॉप से ले आया। तो फाइनली मैं अब बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, सब सामान ले आया हूँ और खाना बन रहा है, मतलब बिरयानी बन रही है और स्वीट डिश भी बन रही है। और अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस ये हो रहा है अपना चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दिया एकदम, स्वीट डिश रेडी होने वाली है। हाय हाय हाय, इसकी खुशबू सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। चेक कर सकते हो स्वीट डिश ऑन फायर है, और ये बिरयानी के साथ उसके टेस्ट को और ज़्यादा डिलीशियस करने के लिए। बिरयानी एकदम रेडी हो चुकी है, फायर पे है और मज़ा आने वाला है बहुत। ये अपने फिरोज भाई आ गया है और मैं इन्हें अपने साथ एक गेम का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, हम करने वाले हैं प्रैंक अभी उनके साथ, हम बोल देंगे कि यहाँ कोई बिरयानी नहीं है। क्यों फिरोज भाई? एक बंदे को और पोपट होते हुए और ये बाकियों का पोपट कर रहे फोन मिला मिला के। जल्दी एक ग्रुप में चल रही बातें पूरी दबा के। ये वैसे तो आते नहीं है, इनके साथ फेक प्रैंक करने पड़े तब हमें जाके
झूठी दावत कर दी इनकी बिरयानी की, ये पहुंच गए, ये भी पहुंच गए। तो अनस भाई आप क्या कहना चाहोगे? है मैं क्या भाई, घर खाना के लिए मना करके आए थे। अच्छा, मम्मी नहीं खाना नहीं बनाना, भाई ने दावत किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप भी क्या आए थे? ये भी क्या आया था? अनस भाई बहुत ज्यादा अफसोस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। उवेश भाई भी आ गए, इनकी शक्ल आया, बैठो इनके पास, इनके पास बैठो। अबे क्या हो गया? अनस भाई आपको कुछ बतावेंगे, यहाँ बैठो पहले। हाँ भाई, अनस भाई ने कुछ एक्सप्लेन करो भाई, क्या मेरे इसमें हाल लादो, प्रैंक हो गया। पता नहीं क्यों मेरे घर वाले यार क्या प्रैंक ना हो जाए, प्रैंक ना हो जाए। क्या रहे थे घर वाले, सच में कह रहे थे? क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? प्रैंक ना हो जाए, प्रैंक ना हो जाए, हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा है, फटाने में कट मेरे को, मेरे को जानता नहीं। हाँ तो उवेश भाई आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा मूड खराब हो गया। तो यार जैसे आप देख चुके हो, मैंने ने फेक बिरयानी प्रैंक करा के भाई बिरयानी बन रही है, तो ये तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा। उवेश भाई क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं भाई, मेरे बिरयानी का दुख नहीं है, तेरे झूठ बोलने का दुख है, तू हर बार झूठ बोल। यार फाइनली खुश कर देता हूँ, बाकी मेरा साथ हमको, क्योंकि हम जदा रहा अभी, उसे भी नहीं पता, ठीक है ना? सब साथ दोगे ना? हाँ बस, खुशी क्या है, इतनी खुशी, इतनी खुशी यार। अरे भाई अब हुए कुछ, अभी ने मैंने सच्चाई बता दी, मेरा प्रैंक नहीं है भाई बिरयानी, इतनी देर से मैं लगा पड़ा बिरयानी के उसमें, जैसा आप लोग पीछे देख ही चुके हो व्लॉग में। तो ये अपने चीते आ चुके हैं सारे, और इनका भी पपट हो गया, लेकिन बस अब क्या करें। हाँ भाई, मुझे खुद नहीं पता था, बिरयानी 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 बिरयानी। चलो भाई आ जाओ यार, बहुत हो गया मजाक, आ जाओ सारे। ये अपने चीते आ चुके हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठो, और अभी हम लाते हैं इनकी बिरयानी। बैठो भाई। आपको बात बता दूं, अनएक्सपेक्टेड है ये चीज, मतलब अचानक ही जो हुआ। अरे एक बार को तो मुझे लगा, मैंने कहा देखे भाई अबू भाई ने प्रैंक कर दिया, वैसे हो गया था। आप इनके, मैंने इनके साथ ना प्रैंक करा था सारों के, आप रिएक्शन देख चुके हैं, भाई का तो रिएक्शन ज्यादा ही खतरनाक था। चलो भाई एंजॉय करो बिरयानी, और फिर खाने के बाद मिलते हैं अब आपको। हाँ मैं भी आ रहा है एक बार। हाँ तो भाई कुछ कहना चाहोगे आप? भाई शाकिब के बारे में तो भाई बहुत बुरा हो गया शाकिब के साथ। हाँ भाई अमजद, शाकिब जो है वो कहते हैं सियाना गुआ गु खा दो बार। अल्लाह आपको शिफा दे, बीमार हो रहे हैं। हाँ भाई फिरोज भाई, बाकी साकिब भाई तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं आनंद भाई, कोई मजा आ गया। उवेश भाई आप कुछ कहोगे? आप बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे थे भाई, तुम यार रियल में तो खा नहीं सकते, लो मेरी तरफ से खा लो आप। हां था ना, प्रैंक पहले भी हो गया था। अच्छा, पहले था भी बर्थडे की पार्टी है। चलो बढ़िया। हाँ भाई क्या कह, घर चलना है, यहाँ क्यों आया तू? घर चलना लंबा लंबा। हाँ भाई लाना कैसे, बुलाना कैसे, हैं क्या कह रहे? बाहर कर, चल भाई बाहर चल, बाहर चलना। नहीं सारे बैठे नहीं। हाँ यार ये तो बता किस चीज की पार्टी है, ये स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दे ये। हाँ भाई कैसा था? बढ़िया, तो और जी बहुत ही अच्छा बना हुआ था। आप हमारे लिए ऐसा ही खाना बनाते रहो। अरे ये बताओ नेक्स्ट दावत कब है? और बाबू जी कोई नली वाली बनाना अगली बार। अब शाकिब भाई जब आप बिरयानी देख के ग्रुप में आ ही गए ना, तो अच्छे से खाइयो, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ दबा के खाइयो, और ले आऊंगा मैं, दिक्कत ना लो, बिरयानी बहुत है। इस शख्स की शक्ल देख लो आप अच्छी तरह, ठीक है? और इसके बारे में कुछ अच्छे शब्द, कितना ये प्रेम रखता है हम सब भाइयों से, वो अर्श भाई पहले बताएंगे। भाई इसको है ना, कम से कम दावत से पहले इसने सोचा प्रैंक है, इसने जो वीडियो में देखा था इसको लगा कि प्रैंक है, बट ये हुआ नहीं। इसको बिरयानी की दोस्ती पसंद है, ये हमारा कोई दोस्त नहीं। जैसे ग्रुप में बिरयानी गई, आज तो अच्छा ही काम हो गया। और अब फिरोज भाई कुछ अपने प्यारे लव्स, बाकी कहने का मतलब ये है, अगर एक साइड नौ दोस्त हो, अगर एक साइड बिरयानी हो, साकिब को बिरयानी पसंद है, नौ दोस्त नहीं पसंद है।
जैकी भाई, जैकी भाई कुछ कहो इसके बारे में। कुछ नहीं कहता, इनके पास वर्ड ही नहीं है। अनस भाई कुछ कहना चाहोगे? अनस भाई खुद दुखी है। अनस भाई दुखी है, बताओ अनस भाई। अनस भाई कुछ तो यार, अनस भाई नहीं बोलेंगे क्योंकि घर जाके बजेगा। रुको जरा, सबर करो। वही भाई भाई, हमारे घर का ही बंदा है, ये घर का ही बंदा है, बाकी बेइज्जती कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। और सब भाई उठ चुके हैं, और ये देखो मैं लेट आया भाई, ना तो कपड़े पहन के आया ना कोई वो, क्योंकि इसे था कि प्रैंक, चलो प्रैंक भी था यार, एटलीस्ट हमें 15 दिन हो गए, 20 दिन मिले हुए। अरे अमजद भाई ग्रुप में ना, भाई ने मेरी आंटी का फर्स्ट रील डाली ना ग्रुप में, तो साथ ही पहुंच गए। हां गाइस, जैसे ही एक तोड़ने को हो गया था बाहर, वीडियो गई ना, वीडियो तोड़ने को हो गया था, वीडियो जैसे ही ग्रुप में गई तो शाकिब भाई बोले हो गए, ओए बिरयानी, ओए बिरयानी। इसने हमारी फोन की कोई वैल्यू नहीं समझी, इसने सिर्फ और सिर्फ बिरयानी की वैल्यू समझी, एकदम ग्रुप में जाती इसके पास, और इसका रिएक्शन था ओए बिरयानी, ओए बिरयानी, ओए बिरयानी। और मतलब ये लगा लो बस इसकी शक्ल देखते रहो। तो जी अपना एक और शायद बंदा आ चुका है, ये देखो इनकी भी शक्ल देखो, ये भी आए हैं। बाकी यो वो बंदा है, यो ही बंदा पिछले हफ्ते कह रहा था भाई मिलने के लिए आ जाओ, कह रहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, सर्दी ज्यादा हो रही है। अच्छा। आज बिरयानी आया तो एडवांस ही फोन कर रहा है बंदा, बड़ा हरामी हो। ये देखो ये भी वही शख्स है, शकल 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 बिरयानी। तो कुछ इस टाइप की अपनी मस्ती है, करते रहते हैं, अब तक नहीं निपटा। After one और later भाई अब तक नहीं निमटा। और ये भाई भी मतलब हम सबको पार्टी करने के बाद खा रहे हैं, और अपने तारिक भाई भी आ गए हैं। क्या हाल है तारिक भाई? ठीक हो? वैसे हम एक बार पहले मिल चुके, दोबारा वीडियो में दिखा रहे हैं, आप देखने के लिए बेताब रहते हो, तो इन्हें देखो, फोकस करो कम से कम 2 मिनट, स्क्रीन शॉट मार लेना और फोटो रख के हंसते रहना। क्या कह रहे हो भाई? मैं शाकिब को देखने के लिए आया, लेकिन एक और बार देख लो। तो जी टाइम हो रहा है 10:30, और ये देखो भाई चिल मोड में बिल्कुल बैठे हैं यहाँ पे, मतलब ये सोच रहे हैं कि इस टाइम कुछ तफरी करने का मन है, और जिसमें से वेश भाई का किस चीज का मन हो रहा? वेश भाई का हुक्के का मन हो रहा, बाकी वेश भाई का नहीं, हमारा नहीं हो रहा भाई, इनका मन हो रहा, बाकी इन्हें डर लग रहा कि कहीं तोड़ ना दें ये लोग, तो ये अपना हुक्का नहीं ला रहे, इन पे हुक्का है वैसे। चिलम पिलवा लो, चिलम इसके चिलम लगाओ, फिल्म में आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक लगा देंगे यहाँ पे। दोबारा देख लो आप टाइम, देखो जी 11:44, और इनकी जो गुफ्तगू है वो बंद नहीं हुई, बाकी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा अब कल से, क्योंकि कुछ अपने भाई अब नए जुड़ने वाले हैं, देखते हैं कल अगर बात बनती है तो कुछ नया मिलेगा, नहीं तो वही पुराना मिलेगा, नहीं कुछ नया चस्का जो है वो कल की बात के बाद मिलेगा आपको, वो भी हम, और बाकी एक और बार फिर बाकी आज जैकी भाई की तबीयत खराब है तो इसलिए खामोश है, और अनस भाई एज यूजुअल खामोश ही रहते हैं, कोई ज्यादा बोलते नहीं है, और उवेश भाई को मेरे ख्याल से बड़ी टेंशन है अपने काम की, देख ही सकते हो आप, बड़ा ही बर्डन है इन पे। तो रात के 12 बज चुके हैं फाइनली, और सब भाई चलने की तैयारी में। हाँ तो भाई हो, बाय बाय सबको, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। और ये उवेश भाई आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखेंगे, नेक्स्ट आप बाहर देख सकते हो मौसम कितना, और इनकी हरकतें,
और मौसम मतलब बारिश बूंदाबांदी चल रही है बढ़िया वाली। सो गाइस फाइनली सभी भाई जा चुके हैं तो इस ब्लॉग के एंड करते हैं। पे होप करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही प्यार बनाए रखो जी। अपना बच्चा अलीजा फातिमा आपसे कुछ कहना चाह रही है, क्या कह रहे हो आप जल्दी बताओ। हाँ जी कमेंट करो। तब इतने प्यारे बच्चे ने कह दिया लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट कर देना। कहते कर देना गाइज, कर देना गाइज कमेंट। हाँ कर देना याद से, कहते याद से ला कर देना। कहते करते नहीं आप, करते नहीं आप। हाँ आप कर देना, मेरे प्यारे बच्चे ने कह दिया। चलो प्यारी कर दो जल्दी चाचा के। मजा आ गया। चलो